डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बड़ा इम्पॉर्टेंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट्स। उस टॉपिक का नाम है बच्चों नॉन फाइनाइट्स। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले हम चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन माने घंटी बजाना न भूलें, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इस सुझाव के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जिसका टाइटल है नॉन फाइनाइट्स। आप ये समझ लें कि नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ट्रांसलेशन के लिए बड़े ही रिस्पांसिबल माने जाते हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। पहला है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। दूसरा है जिरंड और तीसरा है इन्फिनिटिव। आप देख रहे हैं कि इस नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव इन तीनों इंपॉर्टेंट जो इसके अंतर्गत इंक्लूड हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। एक एक करके आज फर्स्ट लेक्चर में हम तीनों का आपसे परिचय कराएंगे ये तीनों क्या हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग लेक्चर के द्वारा इन तीनों का सेपरेट अध्ययन करेंगे और सेपरेट वीडियो भी आपको दिया जाएगा। तो आइए हम आपको थोड़ा सा परिचय कराते हैं पार्टिसिपल से। एट फर्स्ट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा समझिए। पार्टिसिपल क्या है, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये ट्रांसलेशन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है तीनों, लेकिन पार्टिसिपल की चर्चा हो रही है तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। आप इन दोनों को थोड़ा समझें। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर यह बनता है कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। माने प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जैसे गोइंग, रीडिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, इटिस। तो किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आप वी1 लगा करके, सॉरी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे बिफोर, तो वह बन जाएगा जैसे गो हमारी क्रिया है। देखिए एग्जांपल के लिए आप गो है, हमने गो में आईएनजी लगा दिया। रीड है, रीड में क्या लगाया, आईएनजी। इसी तरह से गोइंग, रीडिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सो ऑन। तो किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने पर वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, या नाउन और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। बात समझ रहे हैं, नाउन का भी कार्य करेगा और एडजेक्टिव का कार्य करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी। और हिंदी में इसका अर्थ जब निकालेंगे तो प्रायः इसका अर्थ हिंदी में निकलता है कर के या हुए, करके या हुए का अर्थ देता है हिंदी में। जैसे मैं कहूं कि पुलिस को देख करके चोर भाग गए, आप समझने का प्रयास कीजिए, पुलिस को देख करके चोर भागे। अब यहां पर देख करके, यहां पर नाउन है स्वयं, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहीं नाउन का काम करता है और आवश्यकता पड़ने पर एडजेक्टिव का भी कार्य करता है।
तो पुलिस को देख करके, इसमें देखना तो मुख्य क्रिया जरूर है, लेकिन यह स्वयं नाउन का कार्य कर रहा है। और यदि इसको हम देखें तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, और देख करके सी में देखना होता है, इसमें हम आई एन जी लगा देंगे, तो सीन पुलिस, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुलिस को देख करके चोर भाग गए, द थीफ रैन अवे। आप यहां पर देख रहे हैं सेम पुलिस, द थीफ रैन अवे, पुलिस को देख करके चोर भागे या भाग गए, तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका अर्थ हो जाएगा देख करके, यहां देख रहे हैं करके हुए होता है, तो इसका अर्थ हुआ देख करके। रास्ते में जाते हुए मैंने एक सांप देखा, तो हुए आ रहा है रास्ते में जाते हुए, मीट लिख सकते हैं देख करके। ये देख करके लिखा है, तो इस ढंग से जाते हुए करता है, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं। ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो में पूरे से जल्दी जल्दी, इसके बाद हम अलग एक सेपरेट वीडियो देंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, यह V3 मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। आप समझिए किसके साथ, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल किसके साथ लगेगा, हैविंग के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। आप समझने का प्रयास कीजिए, हम चर्चा कर रहे हैं परफेक्ट की, तो इसके में होता क्या है, इसमें हैविंग प्लस V3, ये इसका यूज कब होता है, जब एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य का प्रारंभ किया जाए, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया करते हैं। मतलब समझ पा रहे हैं, एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य का प्रारंभ कैसे होगा भैया, जैसे हरि अपना होमवर्क पूरा करके सो गया। आप समझिए, हरि अपना होमवर्क पूरा करके सो गया, एक काम हरि ने क्या किया, अपना होमवर्क किया, उसके बाद क्या किया, दूसरा काम सोया, तो अपना होमवर्क करके हरि सो गया, इसमें दो कार्य हैं, और जब पहले होमवर्क पूरा कर लिया, एक कार्य पूरा हो जाने के बाद दूसरे कार्य का प्रारंभ हो, तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, उसमें हैविंग और V3 का प्रयोग करके वाक्य को हम बनाते हैं, ठीक है ना। स्कूल जाने के बाद वह यह कार्य किया, माने पहले स्कूल गया, स्कूल पहुंच गया, इसके बाद अपना पाठ याद किया, स्कूल जाने के बाद रास्ते में उसने अमुक कार्य को किया, तो रास्ते में स्कूल जाने के बाद में स्कूल पहुंचा, तो रास्ते में या तो स्कूल में उसने अपना होमवर्क पूरा किया, तो एक कार्य हो गया, पहले स्कूल पहुंचा उसके बाद दूसरे कार्य का प्रबंध किया, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन बनती है परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। इसी तरह से जिरंड और इन्फिनिटिव, इनका भी अपना अलग अलग इम्पॉर्टेंट यूज है, स्पोकन इंग्लिश में और अनुवाद में भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है इनका। तो आज मैं केवल आपको संक्षिप्त परिचय करा रहा हूं, इसलिए पार्टिसिपल को आपने देख लिया तीनों फॉर्म। और अगर हम बात करें अब जिरंड की, तो जिरंड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, सेपरेट वीडियो में फिर से अलग फिर तीनों को दूंगा, लेकिन तब तक हम लोग चर्चा करते हैं जिरंड की, उसके बाद इन्फिनिटिव को देखेंगे। संक्षिप्त परिचय है जिरण, जिरण भी आप समझें कि यह V4 माने मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर हम जोड़ दें तो जिरण हमारा तैयार हो जाता है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है ना ने नी, देख रहे हैं ना, ये कंडीशन होती है। जैसे ये भी नाउन का कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है, जैसे
सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब आप देख रहे हैं कि सुबह टहलना, यहां पर ना शब्द लगा हुआ है टहलना, तो जहां पर ना ने नी आए दैट इज जिरन, और सब्जेक्ट का काम करे, कर्ता का काम करे, तो यह टहलना यहां पर मुख्य क्रिया नहीं है। आपने पढ़ा है कि टहलना, जाना आना, खाना, रोना गाना आदि क्रियाएं होती है, मुख्य क्रियाएं हैं, लेकिन जब शुरू में सब्जेक्ट का काम करे तो वह टहलना मुख्य क्रिया नहीं, बल्कि यहां पर कर्ता का काम कर रहा है। और टहलना के लिए क्या लिखेंगे आप? वाक, तो सीधे लगाइए वॉकिंग माने टहलना। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वॉकिंग इज यूजफुल स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ। हम आपको पढ़ा रहे हैं सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अगर सुबह टहलना कहें तो मॉर्निंग में आई लगेगा, मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉकिंग नहीं होगा, मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यहां पर स्टॉप हो जाएगा। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हंसना बहुत अच्छा होता है, लाफिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो जहां पर ना शब्द आवे और सब्जेक्ट का कार्य करे दैट इज जिरन, इसकी भी हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियोस पढ़ लेंगे। और जिरन के बाद आता है इन्फिनिटिव, तो आप समझिए कि इन्फिनिटिव के बड़े महत्वपूर्ण यूज हैं, ये जब यूज सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव वर्ब के ठीक पहले टू, टू प्लस वी वन, जहां पर मुख्य क्रिया के ठीक पहले टू शब्द आ जाए दैट इज इन्फिनिटिव। जैसे टू गो, टू रीड, कभी कभी क्रिया के ठीक पहले टू नहीं आता फिर भी इन्फिनिटिव बनता है, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, वहां पर टू शब्द का प्रयोग क्रिया के ठीक पहले नहीं होता, वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाते हैं। जब हम आपको सेपरेट वीडियो देंगे तो क्या कहते हैं इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड, तीनों पर सेपरेट वीडियो देंगे अलग अलग भागों में। आज मैंने संक्षिप्त परिचय करवाया है, फिर अब हम लोग अगले वीडियो में इन पर डिटेल चर्चा करते हुए अनुवाद सिखाएंगे आपको। ओके, आज का बस टॉपिक कितना ही, आज केवल परिचय कीजिए और तीनों को मिला करके, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव को मिला करके तीनों का नाम है नॉन फाइनाइट, क्योंकि तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और हम इनको सेपरेट वीडियो देंगे। अधिक से अधिक वीडियो को पढ़ें, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट प्लान में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप ऑन योर प्रैक्टिस प्लीज। थैंक्स।